आज हम टमाटर की सीडलिंग करेंगे। सीडलिंग करने का तरीका कार क्या होगा, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, आपके टमाटर क्यों नहीं लगते, इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसकी सीडलिंग कब कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें सीडलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइम बता दूं कि मैं जब इसकी सीडलिंग करने लगा हूं क्या टाइम है। तो 25 दिसंबर है, मतलब घड़ी का टाइम नहीं, डेट क्या है, तो 25 दिसंबर है 2022 है। और सर्दी आपको पता है अच्छी खासी पड़ रही है। अगर जिन एरिया में सर्दी नहीं पड़ रही उनके लिए तो बेहतरीन है, वो सीडलिंग टमाटो की कर सकते हैं। लें जी, मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी नरम होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, मतलब बल मट्टी होनी चाहिए। बल मट्टी होती क्या है कि जो एक गार्डन सॉइल होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है पानी देने के बाद। तो जो बल मट्टी होती है ये दरअसल दरियाओं और नहरों से उठाई जाती है, इसके अंदर ब्रीक सैंड मिक्स होती है, इसे बेसिकली सिल्ट भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नरम होती है, जब इसको पानी दें तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है इस मट्टी का। अगर जो थिक वाली मट्टी हम इस्तेमाल करेंगे उसको पानी देंगे वो ज्यादा अरसा तक गीली रहती है और वो जल्दी ड्राई नहीं होती, जिसकी वजह से सीड्स गल जाएंगे, पौधे लगे होंगे तो पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये फायदा होता है कि बल मट्टी इजीली वो ड्रेन आउट कर देती है पानी को और जल्दी ड्राई हो जाती है, जिसमें बीज हम लगाते हैं मट्टी नरम रहती है और बीज जर्मिनेट भी इजी तरीके से हो जाते हैं और ठीक नहीं होती हमारी ये मट्टी। ये मट्टी आपको किसी भी नर्सरी से इजीली मिल जाएगी। अगर आपके पास ये वाली मट्टी नहीं है तो परेशान नहीं होना, आपने गार्डन सॉइल ले लें। गार्डन सॉइल के अंदर आप हल्की ब्रीक जो सैंड होती है वो मिक्स कर लें और गाय का गोबर ब्रीक जो डीकम्पोस्ट हुआ होता है उसको, बेसिकली वो ब्लैक हो जाता है जब डीकम्पोस्ट होता है, तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, कोकोपीट नहीं है तो पीट मॉस मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है मिट्टी को नरम करने के। अभी बात आती है कि इतनी सर्दी में मैं इसकी सीडलिंग करने लगा हूं। इतनी सर्दी में वैसे इसकी सीडलिंग होती नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी इतनी सर्दी में इसकी सीडलिंग को कर सकेंगे इजिली अपने घर के अंदर। अच्छा, ये मैं सीडलिंग कर क्यों रहा हूं अभी दिसंबर में, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जनवरी का मंथ है उसमें भी आपको पता है सर्दी होती है, तो फरवरी के मंथ जो होता है वो मौसम खुल जाता है तो तब बहुत सारी सब्जियों की हम सीडलिंग शुरू कर देते हैं। जो समर फुल जो गर्मी होती है उससे पहले पहले जो सब्जियां हमें मिलनी होती हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। अगर हम सीड लेट लगाएंगे, फुल गर्मी हो जाएगी, उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का बहुत मसला आता है और बहुत सारे मसले मसाइल और पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटो की सीडलिंग अगर मैं अभी करूंगा तो इनशाला 25 जनवरी तक ये मेरी पनीरी तैयार हो जाएगी और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफर करूंगा 10 फरवरी के बाद जाके अलग अलग पौधों को ट्रांसफर कर दूंगा। अब मौसम भी हमारा खुल जाएगा और पौधे भी अच्छे चलेंगे और फुल गर्मी शुरू होने से पहले पहले हमें टमाटो हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे और वो भी अच्छे साइज के मिलेंगे। दिसंबर में जो सीडलिंग करते हैं इसका जरा तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंस होता है दूसरी सीडलिंग से, तो वो डिफरेंट तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टमाटो के जो बीज है हमारे थोड़े से ब्रीक होते हैं, अगर आप ज्यादा डेप्थ में लगा देंगे तो ये जर्मिनेट नहीं होते, अगर मिट्टी थिक है तो ये जर्मिनेट नहीं होते, बहुत नखरे वाले टमाटो के बीज होते हैं। तो ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके बीज भी इंशाल्लाह जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखें, मैंने मिट्टी को बराबर कर लिया था, अब हल्की सी फिंगर इनके ऊपर लगाऊंगा, बिल्कुल हल्की सी मिट्टी को पीछे करूंगा। ये देखें, चेक करें, ये मैंने हल्की हल्की सी मिट्टी पीछे कर दी। अब एक एक बीज में पकड़कर इसके अंदर रखता जाऊंगा। ये लें, बीजों को वक्फे वक्फे से लगा दें ताकि जब हम पनीरी को अलग करें तो अलग करने में आसानी हमें हो, इसलिए ये थोड़ी सी बड़ी टोकरी के अंदर मैं लगा रहा हूँ, वरना अमूमन इसको गमले के अंदर लगाया जाता है। इसको मैंने लगा दिया, अब हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं ऊपर मट्टी कर दूंगा। ये देखो बाल जी, ये चक्कर सेम इस तरीके से, ज़्यादा मट्टी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना। बाहर आ गया था, इसको भी डाल देते हैं मिट्टी के अंदर। अच्छा, जो फुल सर्दी में जो सीडलिंग करते हैं वो क्या डिफरेंट होता है, वो ये होता है रात के टाइम ओस पड़ती है, जो ओस होती है वो हमारे बीजों को जर्मिनेट नहीं होने देती और बीज हमारे मिट्टी के अंदर ही गल जाते हैं और उसके बाद वो जर्मिनेट नहीं होते, इस वजह से हम फुल सर्दी में इसकी सीडलिंग नहीं करते। जो फुल सर्दी में सीडलिंग करते हैं वो तरीका क्या अपनाते हैं कि जब हम इसकी सीडलिंग कर लें तो इसको कवर कर देते हैं। आप मल्चिंग कर सकते हैं, मल्चिंग नहीं तो आप प्लास्टिक पेपर ऊपर इसके डाल सकते हैं ताकि जो सूरज की रोशनी है वो अंदर जाए और अंदर ही
हीट हल्की हल्की बरकरार रहेगी और जो ओस होगी वो प्लास्टिक के ऊपर पड़ी रहेगी, वो नीचे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारे बीज खराब नहीं होंगे। तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पानी आपने हमेशा शावर की मदद से देना है, हल्का शावर रख के आप यूं 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 पानी देंगे। ये देखेंगे, ये हमने शावर ऊपर कर दिया था, अब इसको करेंगे कवर प्लास्टिक पेपर से। ये देखें, कोई भी आप प्लास्टिक पेपर ले सकते हैं, ज्यादा मोटे वाला मत लीजिएगा, ये वाला ठीक है, इजीली मिल जाएगा। 10 रुपए का इतना बड़ा शॉपिंग बैग वगैरह मिलते हैं शॉप से, उनसे आपको ये इजीली मिल जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी काम है। ये ले, इसको मैं अपनी टोकरी को कवर कर दूंगा ताकि ओस हमारे बीजों के ऊपर ना पड़े। सर्दियों में पानी वैसे ही हम कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये 3-4 दिन वैसे ही निकाल जाएंगे। जब आपको लगे कि मट्टी ड्राई होने वाली है तो आप हल्का शावर से पानी फिर देकर फिर इसको ऊपर से कवर दोबारा कर देंगे। इंशाल्लाह ये आपके 20 दिन लग जाएंगे बीजों को जर्मिनेट होते हुए। आप अब हैरान होंगे कि वैसे तो बीज 10 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते, ये क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? ये इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं क्योंकि सर्दी है, तो सर्दी में एक सनलाइट बहुत कम मिलती है हमें और ऊपर से बहुत ज्यादा ठंडक होने की वजह से हमारे सीड है मट्टी के अंदर जल्दी जर्मिनेट नहीं होते, वो जल्दी खुलते नहीं है, उसके अंदर से पौधे बनते नहीं है, तो ये फर्क होता है जी। इसके रिलेटेड अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे जरूर पूछिएगा, भाई की वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे और आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आता रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।